हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 2 विद एक्सरसाइज 2.2 विद क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन वी विल लर्न अबाउट ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें पहले ऑर्डर ऑफ नंबर या ऑर्डर प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट देखेंगे हम, उसमें हम ऑर्डर प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। इन ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ऑर्डर प्रॉपर्टी में कि नंबर्स को 3+4 लिखो या 4+3 लिखो, आंसर 7 ही आएगा। मतलब हमें नंबर सेम है, जैसे 76,554, 32,785 दो अलग अलग नंबर्स हैं। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे हमने 76,554 को यहाँ पे बाद में लिखा है या पहले लिखा है, इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने के बाद भी इनका सम सेम आएगा। लेट्स सी, हम सबसे पहले लिखेंगे 76,554 +58,723। अब इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे क्या इनका सम क्या आता है। ऐसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे 3, 2, 7, 8, 5, 4, 5, 5, 6, 7 और इनको ऐड करके देखेंगे हम कि हमारा सम क्या आता है, क्या दोनों का सम सेम आता है या फिर नहीं आता है। वैसे भी हम प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि दोनों का सम सेम आएगा, लेकिन हम अब करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे दोनों पेयर्स को। लेट्स सी, दिस इज 9, दिस इज 9, नाउ एडिंग दिस वी विल गेट 13, 3, 1 कैरी। Now again, we will get 13, 3, 1 carry. Now again, how much? 9. Now adding 7 and 3, we will get 10. So our answer is 109,339. अब इसको add करके देखेंगे, 5+4, 9. 8+5, 13. 3, 1 carry. 8+5, 13. 3, 1 carry. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10. Again, we get 109,339. So both are equal. Compare का मतलब कल बताया था, या तो हमें बताना होगा greater than है, या फिर हमें बताना होगा equal है, या फिर हमें बताना होगा smaller than है। तो यहाँ पर हमारे इक्वल है, तो हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुआ है कि हमें ऑर्डर कोई भी दिया हो सेम नंबर्स का, उन दोनों का सम सेम आएगा। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट। इन दिस क्वेश्चन ऐड 3 नंबर्स गिवन बिलो एंड कंपेयर द सम। अब यहाँ पर क्या करना होगा, जब दो नंबर्स दे रखे होते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज करके दे रखा होता है तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नंबर जब होते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करके दे रखा होता है और सम करने के लिए पूछता है और फिर कंपेयर करने के लिए पूछता है तो हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो कंपेयर का मतलब या तो ग्रेटर देन होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर स्मॉलर देन होगा। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों का सम और इन तीनों का सम किसका बड़ा है सम, या किसका छोटा सम है, या दोनों का सम इक्वल है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस तरफ के नंबर्स को हम कॉलम वाइज लिख लेंगे, लाइक 6,57,678। अब सेकंड नंबर लिखेंगे 9,8,6,8,7। अब थर्ड नंबर लिखेंगे 6,5,3,4,3। इन नंबर्स को हमने लिख लिया, 6 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0, 0। और इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ एडिंग देम वी विल गेट 3 कैरी होगा हमारे पास। यस, हमारे पास कैरी होगा, तो हमारे पास कैरी क्या होगा, 2 होगा, उसको हम सर्कल में रखेंगे। नाउ एडिंग देम 8+7+5+2, इन चारों नंबर्स को हमें ऐड करना है। 8+2, 10, 10+7,
17, 17 plus 5, how much? 22, 2 हम यहाँ लिखेंगे और 2 को हम कैरी कर देंगे. Now adding 6, 6, 3 and 2, 6 plus 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे. Again adding 8 plus 8, 16, 17, 18, 19, 20. This will be 0 and 2 will be carry. Again adding 7, 5, 2 and 3. 7 plus 3, 10, 15, 16, 17. 7 will be here and 1 carry. Then we will have 6 plus 1 plus 0 plus 0. Then this will be 7. Putting commas. तो हमने ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया है इन सब का सम करके. नाउ वी विल ऐड दीज. ऐड फॉर एडिंग दीज राइट देम इन द कॉलम. 78,689. नेक्स्ट इज 8, 7, 6, 5, 6, 7, 5, 6. नाउ नेक्स्ट नंबर 6, 5, 3, 4, 3. अभी 6 के ऊपर भी कोई नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, और नीचे भी कोई डिजिट नहीं है, तो दोनों जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे. नाउ एडिंग देम, अगेन वी आर एडिंग देम, इनको ऐड करेंगे. 9 प्लस 8 प्लस 6, इट विल बी 23. 3 को हम यहाँ लिखेंगे और 2 को कैरी कर देंगे. नाउ एडिंग 8 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, 22. 2 को हम यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी कर देंगे. अगेन एडिंग 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, हाउ मच? 17. 1 को हम कैरी करेंगे. नाउ एडिंग अगेन 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4, दिस विल बी 20. 2 को हम कैरी करेंगे. नाउ एडिंग 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, हाउ मच? 17. फिर हम कैरी कर देंगे 1 को. नाउ अगेन 6 प्लस 1, 7. तो आपने देखा कि हमारा यहाँ भी 7,70,723 आया है, यहाँ भी 7,70,723 आया है. तो इसका मतलब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हमारी ठीक है कि हम किसी भी नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे. इन नंबर्स को, सेम नंबर्स को हमने अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड किया है, सेम नंबर्स को हमने सब ऑर्डर ऐड किया है, तो हमारा आंसर सेम आएगा. हमारे पास नंबर सेम होने चाहिए. जैसे 6,57,678 यहाँ भी है, 6,57,678 यहाँ भी है, दोनों नंबर सेम है. नेक्स्ट नंबर इज 78,689, ये नंबर भी हमारे पास है. थर्ड नंबर 34,356, ये नंबर भी हमारे पास यहाँ पे है, और 34,356 ये भी यहाँ पर है. तो हमारे पास तीनों नंबर सेम है. तो अगर सेम है तो ऑर्डर कुछ भी हो हमारे पास और हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी. तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखेंगे कि हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के थ्रू ये काम करता है कि नहीं करता है, तो हम सबसे पहले सारे नंबर्स को मैच करेंगे कि हमारे पास सेम नंबर्स हैं या नहीं है दोनों साइड्स में. तो 5,67,699 दोनों साइड है. नेक्स्ट इज 45,343, ये भी दोनों साइड है. नेक्स्ट नंबर इज 35,444, तीनों नंबर दोनों साइड हैं. इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड सम अगर हम करते हैं तो सेम आएगा. लेट्स सी कि दोनों साइड हम सम करते हैं तो सेम नंबर आएगा या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा. लेट, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 9, 9, 6, 7, 6, 5. नेक्स्ट डिजिट इज 3, 4, 3, 5, 4. नेक्स्ट इज 5, 4, 4, 5, 3. और इन सबको ऐड करेंगे. 5 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे. और इन सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे.
तो हम टोटल कर लेंगे, और इधर साइड भी अगर हमें ऐड करना है तो हम लिखेंगे 5 4 4 5 3, नेक्स्ट इज 9 9 6 7 6 5, नेक्स्ट इज 3 4 3 5 4, इन सबको ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो नंबर जहाँ पर नहीं दे रखा है वहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे, और इन सबको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ लेट्स सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 9 + 3 + 5 हाउ मच, दिस विल बी 17, 7 वी विल राइट हियर एंड 1 विल बी कैरी। नेक्स्ट नंबर इनको ऐड करेंगे, 9 + 1 + 4 + 4, इस वाली लाइन को ऐड करेंगे तो 9 + 1 = 10 + 4 = 14 + 4 = 18, 8, 1 कैरी। नेक्स्ट इज फिर से हम ऐड करेंगे, 1 + 6 + 3 + 4 इनको ऐड करेंगे तो 6 + 4 = 10 + 3 = 13 + 1 = 14, 4 एंड अगेन 1 कैरी। दोबारा से ऐड करेंगे हम, 1 + 7 + 5 + 5 को 5 + 5 = 10 = 17 and 18, 8 हियर एंड 1 विल बी कैरी। दोबारा से ऐड करेंगे हम, 1 + 6 + 4 + 3 6 + 4 = 10 + 3 = 13 + 1 = 14, 1 विल बी कैरी। नाउ 5 + 1 + 0 + 0 = 6, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लिया है, अब हम राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करते हैं तो 9 + 5 + 3 = 17, 7, 1 विल बी कैरी। एडिंग अगेन, 1 + 4 + 9 + 4 इनको ऐड करेंगे तो 18, 1 विल बी कैरी। फिर से ऐड करेंगे हम, 1 + 4 + 6 + 3 इनको ऐड करेंगे तो 6 + 4 = 10 + 3 = 13 + 1 = 14, हम सबसे पहले 10 बनाने की कोशिश करते हैं और एंड 1 विल बी कैरी। अभी देखो इनको आसानी से ऐड कैसे करेंगे, क्या हमारे पास इस पूरी लाइन में 10 बना सकते हैं, 5 + 5 को मिला के 10 बना सकते हैं, 10 हो जाएगा। फिर 7 17 + 1 18, 8 एंड 1 विल बी कैरी। नाउ एडिंग अगेन इन दिस रो, 1 + 3 + 6 + 4 इसमें 10 बनाने की कोशिश करो सबसे पहले, तो हम सबसे पहले 10 बनाएंगे तो 6 + 4 = 10 बन जाएगा, जब 10 में हम प्लस 3 करेंगे 13 एंड 1 14, 4 एंड 1 विल बी कैरी। तो इनको हम ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, है ना। तो हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करके अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन सेम आएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सी भी करेंगे। तो हमें कंपेयर करने हैं 89,953, 656,704, 98,675। इन तीनों को ऐड करने के बाद में हमें बताना है 98,675 + 656,704 + 89,953, इन सबको भी ऐड करके क्या दोनों साइड का सम हमारा सेम है, इक्वल है, या फिर ग्रेटर देन में आ रहा है या फिर लेस देन आ रहा है, तो हमें ये बताना है। तो हमें एंड की जगह तो साइन लगाना है, तो हमें इन नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे दोनों साइड और फिर सम करेंगे। क्या हम विदाउट सम भी बता सकते हैं कि दोनों साइड का सम सेम होगा या नहीं होगा? हाँ, हम बिना ऐड किए बता सकते हैं कि दोनों साइड का सम इक्वल होगा या नहीं होगा। वो कैसे बताएंगे? तो देखेंगे हमारे पास सारे नंबर सेम है दोनों साइड पे या नहीं है। तो 89,953 इधर है, तो 89,953 इधर साइड भी है। दूसरा नंबर कौन सा है? 656,704, तो इधर साइड भी है 656,704। क्या तीसरा नंबर भी हमारा सेम है? यस, 98,675, 98,675। तीनों नंबर दोनों साइड हैं, तो हम ऐड करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी से, तो हमारा सम सेम आएगा।
अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि हमारा सम सेम आएगा, तो हम सबसे पहले इसको कॉलम नंबर में लिखे कॉलम साइड में लिखेंगे, कॉलम में लिखने के बाद इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 3, 5, 9, 9, 8, दूसरा है 4, 0, 7, 6, 5, 6, थर्ड नंबर इज 5, 7, 6, 8, 9, और इन तीनों को हमें ऐड करना है। जहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं दे रखा होता उसकी जगह पे क्या लगाते हैं हम, 0 लगा देंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे, है ना। अभी हमें इधर वाले नंबर इन्हें भी कॉलम्स में लिखेंगे। कॉलम्स में लिखने के लिए सबसे पहले नंबर है हमारे पास 5, 7, 6, 8, 9। मैं पीछे से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें आदत होनी चाहिए राइट हैंड साइड से लिखने के लिए, जिससे हम जब भी टेबल में नंबर्स लिखेंगे तब भी राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, एडिशन करेंगे तब भी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से कभी नहीं लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी राइट हैंड साइड से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी राइट हैंड साइड से करेंगे। तो हमें आदत होनी चाहिए नंबर्स को राइट हैंड साइड से लिखने के लिए। तो हमारे पास सेकंड नंबर है 4, 0, 7, 6, 5, 6, तीसरा नंबर है 3, 5, 9, 9, 8। हम इनको ऐड करेंगे, और जहाँ पे डिजिट नहीं दे रखा होता वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 0 लगा देंगे, 0, 0, और इनको भी ऐड करेंगे। अब हमने दोनों साइड कॉलम्स में लिख लिया है, अब देखेंगे कि इनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो हम ऐड करते हैं 3 + 7, 4 + 5, तो ये हो जाएगा 12, 2 हियर एंड 1 कैरी। हम फिर से ऐड करेंगे 1 + 5 + 0 + 7, हाउ मच, 13, 3, 1 कैरी। नाउ अगेन वी विल ऐड 1 + 9 + 7 + 6, 23, 2 कैरी। अगेन वी विल ऐड 2 + 9 + 6 + 8, हाउ मच, 25, अगेन 5 हियर, 2 कैरी। अगेन वी विल ऐड 2 + 8 + 5 + 9, हाउ मच, 24, 2 कैरी। अगेन ऐड 6 + 2, 8। तो हमने ऐड किया और देखा, हम हमेशा कैरी को सर्कल करके लिखेंगे, जिससे हमें अलग से पता लग जाए कि वो कैरी है। बार बार हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमने 2.1 एक्सरसाइज में बनाई थी। ऐसे ही हम इनको ऐड करेंगे, 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी। नाउ ऐड अगेन 1 + 7 + 5, 13, 1 कैरी। नाउ ऐड अगेन 1 + 6 + 7 + 9, यू कैन डू योर सेल्फ, आप ऐड करके देख सकते हैं, रफ में भी ऐड करके देख सकते हैं। तो ये 23, 2 कैरी। नाउ अगेन ऐड 8 + 2 + 6 + 9, 25, 2 कैरी। अगेन ऐड 2 + 9 + 5 + 8, 24, 2 कैरी। एडिंग 2 + 6 + 0 + 0, एंड दिस विल बी 8। तो हमने देखा दोनों साइड हमारा सम इक्वल आया है। तो हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी से भी बता सकते थे, ऑर्डर प्रॉपर्टी से भी बता सकते हैं कि ऑर्डर हमने कोई भी कर लिया इनका, ऑर्डर प्रॉपर्टी हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स में लगेगी। टू अगर डिजिट्स हैं हमारे पास, टू नंबर्स हैं हमारे पास, तो उसमें हम ऑर्डर प्रॉपर्टी लगाते हैं, और दो से ज़्यादा डिजिट्स हैं हमारे पास तो हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। ग्रुपिंग हम कैसे भी कर सकते हैं इनकी, और हमारा सम सेम आएगा अगर नंबर सेम है तो। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि विदाउट ऐड हम कर सकें कि इनका सम सेम है या नहीं है। विदाउट एडिशन हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास नंबर दोनों साइड सेम है तो विदाउट एडिशन भी उनका सम सेम ही आएगा। लेट्स सी, 2343 इधर है हमारे पास, 2343 यहाँ भी है हमारे पास। नेक्स्ट नंबर इज 94,587, यहाँ भी है 94,587, यहाँ भी है, दोनों साइड हमारे पास सेम नंबर है। एंड द लास्ट नंबर इज 4,56,784, यहाँ भी है 4,56,784, यहाँ भी है। तो दोनों तरफ का सम हमारा इक्वल आएगा, ये तो हमने विदाउट कैलकुलेशन ही बता दिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट टू फाइंड दैट आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसे कॉलम में लिखेंगे, सबको हम कॉलम्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 3, 4, 3, 2,
नेक्स्ट डिजिट नंबर इज 7 8 5 4 9. नेक्स्ट इज 4 8 7 6 5 4. तो अभी हम इन सबको ऐड करेंगे और जहाँ पे भी डिजिट नहीं है हमारे पास उन सब जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0. 9 के ऊपर डिजिट नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा देंगे, 4 के ऊपर डिजिट नहीं है तो यहाँ भी हम 0 पुट कर देंगे. नाउ वी विल ऐड देम. हम इन सबको ऐड करेंगे. ऐसे ही हम इन नंबर्स को भी यहाँ कॉलम में लिख लेंगे. लेट्स सी 7 8 5 4 9. नेक्स्ट इज 3 4 3 2. नेक्स्ट इज 4 8 7 6 5 4. और जहाँ पर हमारे पास डिजिट नहीं है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे. 4 के ऊपर भी 0 नहीं है, डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पे 0 लगाएंगे और इन सबको ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद में हम देखेंगे इन दोनों साइड हमने जो भी एडिशन किए हैं उनका सम सेम है या नहीं है. तो हम ऐड करेंगे 7 3 + 7 + 4. इन तीनों को ऐड करने के बाद में हम देखेंगे 7 + 3 10 + 4 14 एंड 1 विल बी कैरी. नेक्स्ट इज 8 + 8 16 + 4 20 + 1 21 2 कैरी. अगेन एडिंग 2 + 3 + 5 + 7 इनको ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 + 5 15 16 17 7 here and then 1 carry. Now again adding 1 + 2 + 4 + 6 दोबारा से ऐड करेंगे तो 6 + 4 10 12 13 3 here 1 carry. Now again adding 9 + 5 + 1 तो हमें 10 बनाना है तो 9 + 1 10 + 5 15 1 carry. Now adding 1 + 0 + 0 + 4 and this will be 5. तो हमारे पास 5,53,714 आ जाता है. इधर दूसरी साइड हम ऐड करेंगे तो 7 + 3 + 4 अगेन वी विल एडिंग 14 वन कैरी. देन अगेन वी आर एडिंग 1 + 8 + 4 + 8 हाउ मच 21 टू कैरी. नाउ एडिंग 2 + 5 + 3 + 7 दिस विल बी 17 अगेन वन कैरी. नाउ एडिंग 1 + 4 + 2 + 6 दिस विल बी 13 थ्री कैरी वन सॉरी 3 विल राइट हियर एंड 1 कैरी. 9 + 1 + 0 + 5 एंड दिस विल बी 15 5 1 कैरी. 1 + 0 + 0 + 4 एंड दिस विल बी 5. सो बोथ द साइड्स वी गेट द सेम रिजल्ट. सो वी प्रूव दैट आवर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी हेल्प्स टू ऐड द नंबर्स इन एनी ऑर्डर. और किसी भी ऑर्डर में अगर हमारे नंबर सेम नंबर्स लिखे हुए हैं तो उनका सम सेम होगा. Thank you and have a nice day.